मॉर्निंग गाइस, आज है 25 जुलाई और कल है रूडी का बर्थडे। और जब आप ये ब्लॉग देखोगे तब 31 जुलाई हो जाएगी, क्योंकि यार एडिटिंग का टाइम नहीं लगा। और आज का प्लान कुछ ऐसा है कि आज रूडी को लेके जा रहे हैं हम साइकिल दिलाने, क्योंकि उसके बर्थडे पर हम साइकिल दे रहे हैं उसे। तो चलिए चलते हैं, अभी पहले बार नहा तो चुका है यार, अभी ब्रेकफास्ट करके तब निकलते हैं। ये ब्रेकफास्ट आ चुका है, देखिए पोहा बादाम। अब ब्रेकफास्ट करें, ब्रेकफास्ट करके जाते हैं। अब 10 बजे जाएंगे यहाँ से, 10 बजे निकलेंगे, 10:30 बजे, तब दिखाते हैं आपको। सो गाइस, सीन कुछ ऐसा है, मैं आ गया हूँ रोडी के घर पे, क्योंकि भाई हमारे वहाँ पे मकान बन रहा है तो रोडी इट्टे वगैरह आई हुई है। ये देखिए, ये आ गया। हेलो गाइस, बहुत दिनों बाद देखा। और मामा भी, मामा तो रीजन बता दिया, रीजन बता दिया मैंने पहले ही। क्या बताया? तेरा बर्थडे, तेरे लिए गिफ्ट लेके आ रहा हूं, साइकिल जो तू लेके आएगा ना। अच्छा, अभी कैथलॉन जा रहे हैं, पहले वहाँ देखते हैं साइकिल का क्या है, कैसे कैसे मॉडल्स हैं, क्या प्राइस है, उसके बाद फिर कहीं और देखेंगे। अगर यहाँ पसंद आ गया यहीं से ले लेंगे। अभी एक पॉपअप हो गया, डी कैथलॉन खुला ही नहीं, 11:30 बजे का टाइमिंग है और हम 1 घंटे पहले आगे बैठे हैं यहाँ पे इतनी धूप में। कुछ भी ओपन नहीं है यहाँ पे, पीछे देखिए कुछ भी ओपन नहीं है। अभी कर रहे हैं थोड़ा सा टाइम पास, फिर जाएंगे। बहुत बुरा हाल हो गया था। अब डी का थ्रोन में जा रहे हैं, अब खुला डी का थ्रोन बर्गर किंग से आने के बाद जा रहे हैं। आ जा। सो गाइस, अभी ये साइकिल्स देखिए, ये देखो आराम से चला, आराम से। अब यहाँ पे देख रहे हैं पहले, अभी ये देखिए ये वाली साइकिल। तो गाइस, अभी कहीं और जा रहे हैं, वहाँ पे ही पता करते हैं साइकिल का, फिर डिसाइड करेंगे कहाँ से लेनी है साइकिल। अभी कहीं और जाके देखते हैं साइकिल। बेचारे का मुँह देखो, एक जगह से अभी थोड़ा सा ठंडा पीने का मन कर रहा है, पानी पी लें। ठंडा कोल्ड ड्रिंक नहीं पी तूने? उदास हो गया। तो गाइस, अभी जा रहे हैं हम दूसरी जगह देखने जा रहे हैं और देखते हैं गिफ्ट दिलवाते हैं। मैं तेरे को बोला तो था। क्या बोला था? ये हम दे रहे तेरे को, मैंने तेरे को बोला तो था। क्या बोला था? कि भाई वहाँ पे अभी तेरे को बस दिखाएंगे, लाने का कोई सीन नहीं है। क्यों नहीं है? मेरा बर्थडे आ रहा है। बर्थडे आएगा कुछ और। ये रही रूडी की साइकिल और अब इसकी इंस्टा फोटो ले रहे हैं। स्माइल कर, अब कुछ है तू ऐसे कर। हमने रोहिणी से लिए यहाँ पे साइकिल, हीरो स्प्रिंट है, सेक्टर 7-8 में। तो यहाँ से हमने ये है भाई साहब, इनसे साइकिल लिए। मौज होगी, कैसी लगी कमेंट करके बताओ। ये शॉप का नाम है भाई रोहिणी, सेक्टर 7 में। यहाँ पे काफ़ी वैरायटीज है साइकिल की, तो यहीं से लिया हमने। ये देखो, ये भी आया हुआ है यहाँ पे। आज देखो कैसे लेके आए इसकी साइकिल। मेरा तो भाई मन था मैं चला के लेके जाऊँ, मतलब 25 किलोमीटर था यहाँ से साइकिल लेके आया और हमारा घर 25 किलोमीटर है। मैं यार चला के लेके जाता हूँ, फिर रूडी बोलता मेरी साइकिल गंदी हो जाएगी। मैं ठीक है, मैं चल गाड़ी में एडजस्ट करते हैं। और गाड़ी में देखो किस तरह से बैठा रखा है, मतलब बैठा कंफर्टेबल हूँ, आराम से रखी है। एक अच्छी तरह रख दी बोली साइकिल को उसने भैया ने। चलो भाई, खुश है भाई तू अब? हाँ। हैं? पक्का? और आपके घर भी आया करूँगा। हैं? आपके घर भी आया करूँगा। मेरे घर भी आएगा तू? तो पहले जब बड़ा होगा तब लेके आइए साइकिल पे रोड पे। तब कभी तू इतनी तेज भगा रहा है, तू बोल रहा है ना मैं स्टंट करूँगा इसमें? नहीं, मेरे को पुरानी वाली साइकिल में स्टंट बड़े लगते हैं, ये वाली बड़ी। तो ये ऐसी चलानी भी नहीं, ऐसे गंदी बात होती है ऐसे चलाना। कभी तू ये सोचे वो लड़का इतनी तेज चला रहा है मैं भी ऐसे चलाऊंगा। देखो इन्होंने देख दिया इसमें भाई एक बोतल भी है और भी ऐसे श्री एक एक घंटी लगा दी, आई लव माई बाइक। और ये लाइट, एक लाइट, ये मतलब बटन से नहीं जलेगी गाइस। अब तो आपको बता, ये वैसे ही नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टर है। हाँ, मतलब रात को दूसरी लाइट है ना वो इसमें लगेगी, वो वाली। रात को जब अंधेरा हो जाता है जब लैंप चलेगी, अपने आप जलेगी नहीं, जलेगी। ये 100 पीस है, ये वाला जो वाली लाइट लगानी हाँ। थी ना वो अलग होती है, उसमें हॉर्न भी इंक्लूड होता है, वो नहीं लगवाया, वो नहीं लगवाया। ये भाई बहुत पुरानी कंपनी है, पहले
बेस्ट ऑफ ब्रिटेन, सबसे पुरानी, मतलब जब पैदा भी नहीं हुए थे हमारे दादा परदादा के टाइम की कंपनी, बहुत बड़ा ब्रांड है ये पहले की, तो बहुत पुरानी कंपनी है। मैं डीकैथलॉन में मेरे को पसंद आ गई थी साइकिल, वो इसको पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगी, मेरे को समझ से बाहर है ये लड़का, लेकिन मेरे को डीकैथलॉन वाली अच्छी लगी साइकिल, वो जो जिस पे ये राइड ले रहा था ना वो मेरे को पसंद आई। पर उसमें ये था कि एक तो उसमें शॉकर नहीं थे, इसमें शॉकर है, और गियर बिना गियर की लेनी थी भाई, बच्चा ख़राब कर दिया गियर वेयर को, तो बस ये था। डिस्क ब्रेक नहीं थी उसमें, इसमें डिस्क ब्रेक है, पर ये है भाई तू थोड़ा सा आराम से चलाइए, डिस्क में कभी तू स्टंट करे, डिस्क में रिस्क भी होता है, डिस्क में रिस्क है। अब ये देख लियो, अब ये क्या क्या हो गया, तो मेरे को लगा इसमें गद्दी वो उसने कवर वगैरह डाल के नहीं दिया, ये देखो इसमें वैसा है, ये देखो सही है रिफ्लेक्टर, हाँ ये रिफ्लेक्टर है, सॉरी ये है पीछे इसका, अच्छा है। चल भाई बढ़िया, मुबारक हो, देखो पूरा दिन ऐसे ही गया हमारा साइकिल। और भाई सबसे खराब टाइम उस टाइम पे था जब डीकैथलॉन ओपन नहीं हुआ था, बाहर धूप में बैठे थे, सामने बर्गर किंग था, जब उसका वेट कर रहे थे ये शुरू हो जाए खुलना, ये कोई ना कोई तो मतलब एटलीस्ट ओपन हो, या तो बर्गर किंग या डीकैथलॉन। बर्गर किंग ओपन हुआ, वहाँ जाके कुछ खाया थोड़ा बहुत, रिलीफ मिला, फिर जाके हम डीकैथलॉन में गए, बहुत भाई आज तो पूरा जंग जीतने के बराबर था। देखो गाइस इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, लगा दी नहीं लगा, चल लग करो अच्छे से लगाना, सेलिब्रेट, और वो ब्लॉग भी देखना मत भूलना प्लीज़, देखना उनको, और ब्लॉग को कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।